दोस्तों नमस्ते, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। करवा चौथ सबको आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना पिथौरागढ़ ब्लॉग में। देखिए आज हो रही है करवा चौथ पूजा और हम लोग यहाँ पर बैठ के करवा चौथ पूजा कर रहे हैं। पूजा हो तब फास्ट लग रहा है, उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। ये सोनी मैडम अपने आपको दिखाना चाह रही है, देखिए इसको कैसी लग रही है, कमेंट में बताओ। लक्ष्मी पद्मा देवी पद्मा हरिश्रिया देवी जय तुम देवी चामुंडी जय उतारणी जय स्वर्ग देवी कालरात्रि नमो ओम नमो ओम नमो फूल पकड़ाई भगवान शंकर के सुंदर कर दे चले ओम ओम स्थानीय गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु डाक्टर परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बल नाम हेम चेता धनुष्मन किसान ज्ञानी नाम सकल गुण धाम पान राम सब बदन वजे नमः। विनय मधुम बुद्धि करना धर्म मति यहाँ हो रही है करवा चौथ पूजा। भूता विदन नतुं जवा जपता भूताने फिर तीन ग्राम हरमन घूमे ओम देवे नमः नमः। अब सप्ताह जन आत्मा फूल अच्छे पानी हरि जैन आत्मा आकर वो आकर चले गया। ओम हरि ओम विष्णु विष्णु नमः परमात्मा जी जो तुम्हारा अत्र प्रतिदान जबु जिसे वर्त करे राजा मतलब जिसे हाँ पूर्वा खेते मत पर करवा चौथ पूजा हो रही है, पूजा हो चुकी है, अब सिर्फ कथा पढ़नी बाकी है, बोलने देगी शुरू होने वाली है। कथा पढ़ लें, ब्राह्मण जी ने पूजा कर दी है, गौरी पूजा और गणेश पूजा हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों हम लोग आज सज सवर की कैसी लग रही है, और ये है मेरी मेहंदी, कैसी लग रही है कमेंट में बताना। गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश साक्षात्कार आकर कहते थे कि बुढ़िया
मेरा भाई तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगो। तब गणेश जी बोले कि अपने अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले, और बहू ने कहा कि ना कि मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिसमें बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई क्या मांगती है। हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज यदि आप मुझ पर प्रसन्न रहे तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, लौकी का दे, अमर सुभाग दे, आपको मैं प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने जो मुझे ठग लिया और जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अन्नधान हो गई। हे गणेश जैसे बुढ़िया माँ की सबके स्त्रियों की जय। बोलो जल्दी बनाओगी दिया पकड़ा हम।